पंखो भी देखने जा रहे हाँ पूरा पंखो चल रहे कूलर हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएमजी मीडिया टेक एंड डीटीएच में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जून सोलर का पैनल। इसकी 25 साल की वारंटी होती है और ये पैनल 100 वाट का है। ये इसका पैकिंग डब्बा है जो हमने मंगाया था ऑनलाइन। और अब हम आपको दिखाते हैं ये पैनल। ये है इसका पूरा पैनल जो कि मोनो है। और इसके अंदर जो एक तो दिया है इसमें वायर लगाने का, और दूसरा इसमें फंक्शन दिए हुए हैं वो इस पर बता रखे हैं। 100 वाट का पैनल है और लगभग 20 वोल्ट देता है ये। और एम्पियर की बात करें तो लगभग 10 एम्पियर के आसपास ये दे देता है हमें। अब टाइम है इसके वायरिंग करने का, तो मैं फटाफट से इसकी वायरिंग कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये वायर है प्लस का जो कि राइट साइड में लगता है। वायरिंग करते समय आप ध्यान रखें कि हमें वायर को बहुत ही अच्छे से टाइट लगाना है ताकि जो सोलर से आने वाला जो पावर होता है वो कहीं भी कम ना पड़े। और वायर सही नहीं लगने से उसका कनेक्शन भी बिगड़ सकता है, और कनेक्शन सही नहीं होने से करंट भी बराबर नहीं मिलता है हमें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं वायर्स को अच्छी तरह से निकाल कर उसके जो लगाने के सिस्टम आते हैं पूरे, जैसे उसकी कैप हुई, तो वो सभी चीज़ें मैं अच्छे से लगा कर उसके बाद मैं उनको टाइट करूँगा। इसके अंदर नट दे रखे हैं जिन नट्स को वायर के साथ में कनेक्ट करने से वो मजबूती से वायर टिका रहता है और लूज नहीं होता है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि वायर अगर लूज़ रहता है तो वो स्पार्किंग करता है, और स्पार्किंग से फॉल्ट होने की समस्या हमें देखने को मिलती है। यहाँ एक नट को मैंने अच्छे तरीके से टाइट किया है ताकि ना तो लूज़ रहे और ना ही निकलने की कोई संभावना रहे। इसके जो छोटे छोटे एक्स्ट्रा वायर थे मैंने उनको काट दिया है ताकि कहीं भी प्लस माइनस अटैच ना हो और फॉल्ट होने की समस्या ना रहे। फर्स्ट मैंने ये वायर बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट किया है। थोड़ी कमी लगी मुझे तो मैं इसको फिर से ढीला करूँगा और इसको फिर से टाइट करूँगा। अब इसकी जो सेकंड वायर है माइनस वाली, अब उसको लगाने का टाइम है, क्योंकि पहले प्लस वाली वायर लगाई है हमने तो उसको प्रॉपर तरीके से हमने जॉइंट किया है। और ये जो लेफ्ट वाला जो दिख रहा है वो माइनस का वायर है।
इसको भी हम अच्छी तरीके से टाइट करेंगे और इसकी कैप लगा देंगे जिससे ये वायर लूज ना रहे और जो बरसात का पानी होता है वो भी इसके अंदर ना घुस पाए। इसके लिए एक इसकी ढक्कन है बड़ी जो लॉक वाली होती है, उसको हम लगा के लॉक को फिटिंग कर देंगे। और हमें यहाँ पर कट लगा कर यहाँ पर हमें मेल फीमेल वाली जो पिन आती है वो हम इन दोनों वायर्स पे लगा देंगे, क्योंकि जब भी हमको पैनल को इधर से उधर अगर रखने की ज़रूरत हो तो हम इन मेल फीमेल वाली जो पिन आती है उनको हम निकाल के आसानी से ही जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं। तो ये मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं एक मेल पिन है और एक फीमेल पिन है, जिनको हम जॉइंटर भी बोल सकते हैं। ये पिनें, एक पिन जो सोलर से निकल रहा है वायर उसमें लगेगी और एक पिन सामने जो हमारे घर के अंदर लोड पर जो वायर जाता है उस पर लगेगी। ये दोनों कनेक्टर आपस में जॉइंट होकर पावर को नीचे पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो कनेक्शन होते हैं ये भी अच्छी तरीके से और मजबूती से करने चाहिए, क्योंकि अगर ये वायर लूज रहते हैं तो पावर नीचे नहीं जाता है और पावर ना जाने पर हमें सोलर से करंट नहीं मिलेगा तो और हमें समस्या का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने मेल पिन को लगा लिया है, उसी तरह अब इसकी दूसरी जो फीमेल है वो पिन लगाने का टाइम है। तो मैं इनको फटाफट से लगा दूंगा, इसके अंदर कैप आती है वो कैप भी लगा दूंगा और जो इसके अंदर पिन है उसको निकाल के एक बार वायर से प्रॉपर कनेक्ट करूंगा। और कनेक्ट करने के बाद में फिर इसको उसमें फिट करूंगा। इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है, अगर आप भी सीखना चाहें तो इस तरह से लगा कर सीख सकते हैं। इसके अंदर एक रबड़ आता है जो रबड़ वाटर प्रूफिंग करने का काम करता है। ये देखिए ये जॉइंट आसानी से हो गया। इसी तरह से हम दूसरी पिन का भी ऐसे ही जॉइंट लगा देंगे और मेल फीमेल वाला वही सॉकेट हम फिर से लगा देंगे। ये वायरिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही सोलर पैनल हमें अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अंदर कैप और ये इसका रबड़ और ये इसकी जो मेन पिन होती है वो फीमेल वाली, इनको भी अच्छे से टाइट करेंगे, लूज बिल्कुल नहीं रखना है। जितना लूज होगा उतनी ही दिक्कत ज़्यादा आती है और सोलर पैनल में सबसे ज़्यादा आती है, जितना लूज होगा उतना हमें पावर कम देता है, पावर कंज्यूम ज़्यादा करने लगता है। तो हमारे जो सोलर से चलने वाले सिस्टम होते हैं वो धीरे चलते हैं, उनको पावर बराबर नहीं मिलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे कनेक्शन प्रॉपर हो चुके हैं, अब बारी है इनको टेस्टिंग करने की। तो यहाँ ये मेल से मेल कनेक्ट कर लिया
मेल से फीमेल सॉरी, और ये वो पहले वाला जो वायर था वो प्लस का था, और ये दूसरा जो वायर है ये माइनस का वायर है। तो इन कनेक्शन को भी हम फिर से जोड़ देते हैं और प्रॉपर धूप के अंदर रख रहे हैं, जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर तरीके से आती हो वहाँ पर हमें पैनल को रखना है, ताकि हमें पावर बढ़िया दे। और अब है हम टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ पीने सही लगी है, तो ये आपके सामने देख पा रहे हैं पंखी चल रही है। एक बार मैं भी और लगा के आपको बता देता हूँ, ये देखिए चल गई। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर हम इसमें कंट्रोलर नहीं भी लगा रहे हैं तो ऐसी जो पंखियाँ आती है वो आसानी से चल जाती है। और ये इसके साथ में हमने एक कंट्रोलर मंगाया था जो भी जून सोलर का ही है। ये अगर आपको ख़रीदना हो तो हम मुझे कमेंट ज़रूर करें। ये 12 से 24 वोल्ट तक की कैपेसिटी वाला है और इसका लुक ऐसा आता है। यहाँ पर बैटरी और सोलर के वायर लगते हैं। ये कस्टमर ने हमें मना कर दिया क्योंकि इन्होंने अभी तक बैटरी नहीं मंगवाई थी, तो हमने इसका अभी इंस्टॉलेशन नहीं किया है। हमने सिर्फ यहाँ पर जो पंखियाँ हैं वो पंखियाँ चलाकर हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे। ये जो सोलर का वायर आ रहा है प्लस का है और एक वायर माइनस का है, जो हम नॉर्मल सिंपल तरीके से कनेक्शन लगाकर एक बार चलाकर देख रहे हैं। फिर कस्टमर के कहने पर हम कंट्रोलर भी इंस्टॉल बाद में कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे हाथ में जो डब्बा है वो वायर कनेक्शन लगाने के लिए है। तो जैसे ही मैंने वायर लगाया और वो आपके सामने देख रहे हैं पंखी चल गई है, और इधर एक दूसरी पंखी और लगा रखी है वो भी प्रॉपर तरीके से चल गई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी सामान चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर लें। धन्यवाद।